कंप्लेन्स है लोगों की. प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो इफ यू हैव कंप्लेन्स विद योर लाइफ. रीजन ये है, कंफर्टेबल जो लोग हैं प्लीज ना देखें. छोटे और कमजोर दिल वालों के लिए मैं बात ही नहीं करता हूं. सी जनरली नाउ यंगस्टर्स, यूथ और एनीबॉडी इन दिस कंट्री, स्पेशली भारत में बड़ी शिकायतें आई हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे पास कंफर्टेबल लाइफ नहीं है. व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स? द गाइस दोज हू फेस द हाईएस्ट ट्रबल एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री, द लीस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट बट हैज द बिगेस्ट प्राइड टू बी कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री एंड सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं. एग्जाम्पल, जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तब हजारों लोग वहां सियाचिन ग्लेशियर में, शायद आधों को तो नक्शा भी नहीं पता होगा, सैन फ्रांसिस्को, ऐसा बता देते हैं मैप पे आजकल बच्चे. यू कैन नॉट लिव विदाउट द चैटिंग और व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजिंग और टेक्सटिंग फॉर हाफ एन आवर, वन आवर. मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं जो ग्लेशियर में रहते हैं. 8G, 10G, 4G, 8G सब इधर चलता है दोस्त. वहां कोई जी नहीं होता है, वहां पर सिर्फ गालियां सुनाई देती हैं उस साइड से. और यहां से खड़े होके भारत माता के लिए खड़े हुए, रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दिस कंट्री ओनली बिकॉज दे हेट द एनिमी. वो इस देश में रहने वाले लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो वहां पर है. दे आर नॉट देयर फॉर द पेमेंट विच इज गिवन टू देम, दे आर नॉट देयर फॉर द प्रिविलेजेस विच आर नॉट गिवन टू देम. प्रिविलेजेस आर गिवन टू यू, द फैसिलिटीज आर गिवन टू यू, फिर भी इतनी कंप्लेन्स. अरे पानी गिर गया, हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ये हो गया, बहुत कंप्लेन्स है माँ बाप से इन बच्चों को. रिमेंबर दैट दोस्त, कंप्लेन करने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर दिस लैंड, दे आर फाइटिंग फॉर दिस कंट्री, दे आर फाइटिंग फॉर दैट इमोशन ऑफ फ्रीडम, दे आर फाइटिंग फॉर दैट इमोशन विच बिलोंग्स टू यू, विच डजंट बिलोंग टू देम. वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देने के लिए रात भर खून में खड़े हुए हैं. आप बात करते हो -50 जनरल टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर का, -50 जनरल. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों सिपाही आज भी अपने खून को सुखाकर वहां पर लड़ रहे हैं. दे कॉक अप देयर राइफल्स, दे राइट देयर लास्ट लेटर्स टू देयर फैमिलीज, और उसके बाद एक दूसरे की नजरों में इसलिए देखते हैं कि मेरे यार ये नहीं पता कि कल मैं तेरे साथ बैठकर खाना खा पाऊंगा कि नहीं. बोलना तो बहुत दूर की बात सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते किन कंडीशंस में वहां पर. एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड. दिस द ओनली प्लेस विच इज कॉल्ड द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड एंड इट इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, इट इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर्स. जहां लोग श्वास नहीं ले सकते ना, लोग कहते हैं कि हमने 50 या 500 मीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर लड़ा है, ये हजारों मीटर की ऊंचाई पर है जहां सांस नहीं आती है, दिखाई नहीं देता है, वहां पर भी वो सिर्फ जज्बा है जो जिंदा रखता है लड़ने के लिए और इस देश की रिस्पेक्ट के लिए. किसी बेवकूफ गद्दार ने भी बीच में कुछ कहा था कि इंडियन आर्मी इज रेपिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. अरे बेवकूफ, फौज रेप करती है ना तो हथियारों से करती है, और होल होके तुम्हारा रेप निकलेगा. याद रखना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें फौज की आज भी एथिक्स और इज्जत है कि फौज आज भी कुत्तों को नहीं मारती, इसलिए बचे हुए हो. और याद रखना, किसी के भी खिलाफ कह लेना, मगर हिंदुस्तानी फौज, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में बोलने के पहले 1 करोड़ बार सोचना. क्योंकि याद रखना, अगर फौज रेप पे आ गई ना तो तुम्हारी रूह का रेप होगा. इंडियन आर्मी डज नॉट रेप, आर्मी नेवी एयरफोर्स, they protect your women, they protect your sisters, because they consider every woman and every young woman as their sisters and mothers. That's why you are protected. Bolna bahut saral hai aur bahut dam hai, bahut khujli hai, bahut garmi ho rahi hai na, aa jara border pe 2 din ki duty karke dikha, chutal mein se puri garmi bahar aa jayegi. October 1947 desh abhi azad hi hua tha ki hum par to jang thop di gayi. But who did that? Let's talk about that. I'm talking about first unit of six, the first battalion of Sikh, one of the most elite, one of the most respected and decorated regiment of the Indian Army, called the Sikh Regiment. And this is this wonderful story. The guys whom I'm talking about, the finest warriors, the finest Khalsa warriors, wo Khalse the
जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया था 1947 में जब लश्कर ट्रूप्स ने अटैक किया था हमारे ऊपर एंड दे वर द गाइस व्हिच वर लीडेड बाय अ मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर दैट मेक्स मी फील दैट प्राइड ऑफ बीइंग एन इंडियन. एक ऐसी सिखों की पूरी पलटन जिसे एक मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर ने लीड किया एंड दिस हैज गॉन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स. दुनिया में कभी भी इतना खतरनाक ऑपरेशन नहीं हुआ और उस सिख रेजिमेंट ने they protected the guys and whom did they protect? The bigger question is that. याद रखिए फौज कभी ये नहीं पूछती और ना ही उनने 1947 अक्टूबर में पूछा कि हम हिंदुओं को बचा रहे हैं कि मुसलमानों को कि सिखों को कि ईसाइयों को. हम हर उस इंसान को बचा रहे हैं जो भारत में पैदा हुआ है, जो एक हिंदुस्तानी है, जो एक भारतीय है. I'm talking about the organization which in none of the cases can be called corrupt or can be called manipulated organization. The most pious and the most respectful organization of this country, the institution of this country is called the Indian Armed Forces. So that's why I always say respect our forces because they are the actual protectors and actual sons of this country. Jai Hind, Vande Mataram.